और ये हमें मिला है हमें नौ मनात का तेल मिला है। और पाकिस्तानी कितने बनते हैं भजन? पाकिस्तान में ये बन जाते हैं 1400 रुपए का 5 लीटर तेल हमें लिया है। ये ओरिजिनल दूध है भाई, यानी कि इसमें फैट की मकदार बहुत अच्छी है। देखें एंड्रियम लगा हुआ है, 19 का था, 9 का मिला हमें, ये रमजान की स्पेशल ऑफर। उन्होंने पूछा कि दिस ओरिजिनल, वो गुस्सा नहीं कर गया कि यार ये मतलब कि नकली भी होता है। जी भाई, ये जुनेद अकरम साहब के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसे हैं आप? एक वॉकिंग व्लॉग में आपको, वॉकिंग व्लॉग कैसा नाम डाल दिया, वॉकिंग व्लॉग में आपको खुश आमदीद। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये देखिए जी, बुराक साहब भाग रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और जुनेद अकरम साहब की जो है, मैं जैसा कि बताया कि वॉकिंग टेल्स के बाद ये वॉकिंग टेल्स 3.0 है, 2.0 भी नहीं है। वो कैसे जी? देखिए हम लोग फुटपाथ पे कितनी अच्छी वॉक कर रहे हैं, सड़क से हमारा लेना देना ही नहीं है। और ये देखिए जैसे आप बुराक को देख रहे हैं, फुटपाथ भी माशाल्लाह बड़ा साफ सुथरा है। अब कंपैरिजन तो वैसे बनता नहीं है, यहाँ पे आपको मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही कि ये जो अगर दरख्त है ना, ये अगला दरख्त है, इसके साथ ना शीशा टंगा हुआ नज़र आ रहा है, ना पास एक कुर्सी है, और जो है कोई हजाम बैठ के किसी की कटिंग नहीं कर रहा, या बगले नहीं उतार रहा किसी की, ना ही किसी बंदे ने नाजायज़ तजावुज़ करके बाहर चिप्स वाली वो जो मशीन रखी होती है, काउंटर रखा हुआ है, ना कोई चिप्स दे रहा है, ना किसी ने टायर रखे हुए हैं, और ना कोई पंचर लगा रहा है। पंक्चर होता है वैसे, मैं आमतौर पर पंचर बोल रहा हूँ जो सारे लोग कहते हैं, ना ही कोई पंक्चर लगा रहा है। कितने अच्छे तरीके से लोग जो हैं वो फुटपाथ पे, वॉकवे पे बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आपको कोई बंदा भी फुटपाथ पे कुर्सी रख के उसने अपना रेस्टोरेंट भी नहीं बनाया हुआ, ना आपकी रेस्टोरेंट की तजावुज़ की हुई है, क्योंकि जो चलने वालों की जगह है ना, वो सिर्फ चलने वालों की है और किसी की भी नहीं है। ये देखें, तभी तो देखें बुराक आज कितने सुकून से चल रहे हैं, कोई डर नहीं है कि कोई गाड़ी आके लग जाएगी, या जो है कोई साइकिल वाला ओपोजिट आ जाएगा, कोई बाइक वाला ओपोजिट आ जाएगा। ये देखें ना, यही तो मज़ा है सबसे ज़्यादा। फुटपाथ तो हमें मिलता ही नहीं है वहाँ पे लाहौर में, फुटपाथ पे तो आधी दुकानें खुली हुई हैं, और जितने भी जो कॉरपोरेशन वाले जितने भी हैं उनको तो महीने या डेली का भत्ता जाता है, ये फुटपाथ ही नहीं खाली करवाते हमारे मुल्क में भाई। यार जो फुटपाथ है कि पैदल चलने वालों का रास्ता, उसके ऊपर दुकानें खुली हुई हैं, उस पर हजाम बैठ के दरख्त के पास से वो बगलें उतार रहा है, कटिंग कर रहा है, वो पंक्चर वाले ने अपने टायर रखे हुए हैं वहाँ पे, और वो जो पंक्चर लगा रहे, इतना बड़ा दाबड़ा उसमें पानी रख के वो चेक कर रहे हैं कि टायर से बुलबुला निकलता है कि नहीं निकलता। वाह जी वाह। अब देखिए कितने इधर, यार हम अपने मुल्क में वॉक ही नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बंदा ज़्यादा चलता है, देखते जाएं बस, देखते जाएं। वॉक करते करते मैं आया, मैंने कहा थोड़ी सी मैं जो है ग्रॉसरी कर लूँ। बुराक साहब मेरे साथ थे, देखें ये ट्रॉली के अंदर, प्लास्टिक की ट्रॉली के अंदर मैंने उनको बिठा लिटा दिया है, और आज मेरा है ग्रॉसरी डे, आई एम जस्ट ग्रॉसरिंग। आई होप आई सेड इट राइट। व्हाट आर यू डूइंग? ओहो, डोंट एक्ट, आर यू एक्टिंग? अभी हम चक्की का आटा लेने हैं, चक्की का आटा, आटे को क्या कहते हैं इनकी ज़ुबान में? उन क्या करते हैं? ये देखें जी, ये चक्की वाला आटा है, ये 1.17 मनात का है। ओके ओके, ये जो मैंने पकड़ा वो वाला भी, ये चक्की वाला रेड आटा है ना ये?
ओके अभी हमने लिया है। अब हमें ज़रूरत है चिकन की। अब देखते हैं चिकन कैसा मिलता है और यहाँ पे कैसा चिकन होता है। वैसे तो रोज़ ही लेता हूँ लेकिन मार्केट नहीं में आया हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कितने का। तो 6.39 की पूरी मुर्गी है। ये कितने किलो की है? ये 1 किलो से ऊपर की है। कितना लिखा हुआ? ये देखिए 1 किलो 100 ग्राम। 1 किलो 100 ग्राम पूरी मुर्गी। ऐसे पाकिस्तानी कितने की बनी मुर्गी है? 800 रुपये की पूरी मुर्गी। और पाकिस्तान में जो है किलो ज़्यादा 1000 तक पहुंच गया भाई जन हैं? मे भी ओके भाई, मुझे नहीं पता, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा भाई। इन्होंने तो मैंने दसा है कि कबूतर दा अंडा। बुराक साहब की कर रहे हो तुसी? बैठ जो आराम से। इट वॉज पिजन जैक मेरे ख्याल में। मैंने तो वो गूगल पे जो है ट्रांसलेट करके इनसे पूछा था। गोहरचिन उन्होंने कहा हाँ हाँ ओके। तो मेरे भाई दही भी ले लिया है यहाँ पे। दही ऐसे मिलता है, ये देखें दही है भजन। कितने का? 4.10 मनात का। एक मनात पाकिस्तान 170 रुपये। ये चार, ये कितना दही है भजन? 3 लीटर दही है। 3 किलो। ये मैंने नहीं लगाऊं दूध, ये बुराक पीता है। ये मैं एक कितने लूं? ये देखें इसमें फैट है 3.4% और ये ओरिजिनल दूध है। ओरिजिनल है क्या कर रहे हो? ओरिजिनल दूध है। ये देखें क्या कर दिया इसमें, यहाँ से निकल रहा है। इस पर कोई शॉपर चढ़वा दें बेटा। अब मैं तुम्हारे हाथ कैसे साफ करूं? तुम अब भाई, अब ये दही है, खैर है मल है, स्किन अच्छी होगी। क्या करते हो? मैं एक और दूध ले लेता हूँ। अच्छा तो मैं दूध का बता रहा था, ये इनकी जुबान में ओरिजिनल है, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल दूध है भाई। यानी कि इसमें फैट की मकदार बहुत अच्छी है। अब हम लेने लगे हैं कुकिंग ऑयल। ये सारे कुकिंग ऑयल की, ऑयल की आयल है ये। ये देखें जी, हमने अभी लिया है 5 लीटर ऑयल, यहाँ की बड़ी फेमस और बड़ी अच्छी कंपनी है ये देखें। और ये हमें मिला है नौ मनात का तेल मिला है। और पाकिस्तानी कितने बनते हैं भजन? पाकिस्तान में ये बन जाते हैं 1400। 1400 रुपये का 5 लीटर तेल हमने लिया है। और पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से 800 रुपये का 1 लीटर हो गया। नहीं यार, हाँ 700-800। सीरियसली? हाँ मैं पता करता हूँ। पता करें, देख लें फिर। ये देखें एंड्रियम लगा हुआ है, 19 का था, 9 का मिला हमें। ये रमज़ान की स्पेशल ऑफ़र, रमज़ान में यहाँ पर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हालाँकि इनका पाकिस्तान महंगी हो जाती है। हाँ हालांकि ये बड़े लिबरल हैं और ये बड़े, यू कैन से वेरी लिबरल, बट स्टिल दे डू एंड्रियम ऑन प्रोडक्ट्स इन मंथ ऑफ रमदान। क्योंकि पाकिस्तान में मुझे नहीं, हम सबको एक ही मसला होता है कि यार शहद खालिस नहीं मिलता, शहद ये कि असली है कि नकली है। मैं भी इधर आया इस जगह के ऊपर, नहीं सारे शहद पड़े। मैंने यहाँ पर एक बंदा था खड़ा हुआ, मैंने उसे पूछा कि दिस ओरिजिनल, वो गुस्सा नहीं कर गया कि यार ये मतलब कि नकली भी होता है। वो मुझे कहता है नकली भी होता है अपनी ज़ुबान में, वो ट्रांसलेट करके गूगल के अंदर। तो अब मेरा दिल कर रहा है यहाँ से एक शहद ले लूँ, यहाँ से निकलवाऊँ। ये देखें छत्ते के साथ भी है, तो ले लें फिर भाई जान एक शहद। जी ले लेते हैं यहाँ से। ये ऐसे निकाल के देगा या पैक इसने ऑलरेडी किया हुआ है सारा? आपकी मर्ज़ी है, चलें फिर लेते हैं भाई जान। सस्ता ही शहद भी सस्ता है ना इधर? हाँ सस्ता ही है। इंद्रिम का मतलब होता है सेल, डिस्काउंट, या इनके खुले बिस्किट, देसी पैकिंग, यू नो। और ये इनकी जो है बेकरी आ चुकी है, बेकरी। यहाँ पे केक्स वगैरह हैं देखें। ओ सॉरी, ये कैसे ऊपर चढ़ेगा भाई,
बजनी ऊपर थोड़ा सा चुकेंगे इसको, ये देखें केक चेक करें, बड़े अच्छे केक्स लगे हुए हैं यहाँ जी। तो हमने कर ली है ग्रॉसरी और हमारा बिल बना था 50 मनात पाकिस्तानी कितने होते हैं, 8,000 रुपये हमारा बिल बना, जिसमें हमने तेल भी खरीदा और फिर पाकिस्तान में 8,000 का ये सिर्फ तेल आना था। अच्छा जी, हाँ जी, हम आप सर्च करें इस पे कि मुझे लगता है 700 से ऊपर 1 लीटर। अच्छा, मुझे नहीं पता। और 5 लीटर भी अगर हो 7 के हिसाब से 75 सर क्या होता है। वाह, अब ये आवाम बताएगी ना, असल में पता क्या है, हमने शहद भी खरीदा, मक्खन भी खरीदा, दूध भी खरीदा और एक आधी वो भी चीज़ें खरीदी जो मजे के लिए बंदा खरीदता, मतलब कि चॉकलेट, लेट नाइट बंचिंग, ये वो तो चिप्स वगैरह। तो तब हमारा पाकिस्तानी 8,000 रुपया बिल बना है। अगर पाकिस्तान में 700 का लीटर भी अगर ये ऑयल है ना जी, तो जी, ये 3,500 रुपये का बनता है, 3,500 रुपये का। अच्छा, ये महीना भी निकाल सकते हैं अगर आप तरीके से इस्तेमाल करें तो, 5 लीटर है ना सर, क्योंकि हम ज़्यादा मक्खन यूज़ करते हैं और दूसरी चीज़ें, यू नो। अब हम अपनी बोल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आज थोड़ी सी वॉकिंग टेल होगी। और देखिए यहाँ पे जो लोग हैं ना, हमारे वहाँ तो यहाँ पे लोग ईमानदार भी हैं, वहाँ हमारे वहाँ तो लगा होता है ना, मैं भी अपने उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कंपेरिज़न करूँ कि लोगों के अंदर भी इस तरह की ना वो बातें आनी चाहिए कि खबरदार कोई ऐसी हरकत ना करे, कैमरे की आग आपको देख रही है। यानी कि वो गलत हरकत, चोरी वगैरह सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहा कि उसको कैमरे की आंख देख रही है कि वो चोरी नहीं कर रहा कि मैं कल को पकड़ा जाऊंगा, बल्कि कैमरे की आंख से बड़ी भी अल्लाह की आंख होती है बेसिकली, ठीक है, अल्लाह देख रहा है बेसिकली। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इनको पता ही नहीं, यानी कि ये सोच नहीं है कि कैमरे की आंख देख रही है, मैंने कुछ चीज़ उठानी है, ये चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको कि कैमरे की आँख देख रही है, ये ऐसे ना करें, यानी कि उनको पता ही नहीं है कैसे भी होता है कि इनके अंदर अखलाकियात के अंदर है कि हमने गलत काम नहीं करना, चोरी नहीं करनी, या किसी का हक नहीं मारना, या कहीं खड़े होके पेशाब नहीं करना, कहीं खड़े होके कूड़ा नहीं फेंकना। तो वो कैमरे की आंख के डर से नहीं करे, बल्कि उनको पता ही नहीं है कि अच्छा उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है। बाकी आज का व्लॉग मैं यही पेंट करता हूँ, दिन बड़ा अच्छा, देखें नीला नीला आसमान है। ग्रॉसरी की हमने इस मार्केट से, हैप्पी मार्ट से, हैप्पी मार्केट से। और बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर दें, फेसबुक पे भी फॉलो कर दें, एंड यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। और आपसे मिलूँगा मैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।